हो जाए. ओके स्टार्ट. ओम गणेशाय नमः. ओम गुरुदेवाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवगीता कॉमर्स क्लासेस में क्लास 12 के बच्चों का वेलकम है, स्वागत है. वो बच्चे जो कि अभी 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2019 का, और जिनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है अकाउंट्स जो है वो 3 किताबों को लिए हुए सब्जेक्ट है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनका, तो उन्हें कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमने इस वीडियो में, पहला हमारा वीडियो है जिसमें प्रयास किया है उन बच्चों की रिमीडियल क्लास लेने का, उनके डाउट को क्लियर करने का, जो पर्टिकुलर शेयर चैप्टर में उनको अगर कुछ डाउट है तो इससे क्लियर होगा. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर शेयर कैपिटल. बिफोर स्टार्टिंग शेयर चैप्टर, एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाई शेयर. Share, we can say that it is the fractional part of any company's whole capital. It is the fractional part of any company's whole capital. शेयर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, शेयर करना, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना. तो कंपनी एक लंबे चौड़े स्तर पर प्लान बनाती है, प्रोजेक्ट तैयार करती है, उसे ज्यादा मैक्सिमम पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो मार्केट में, अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो मार्केट में अपना शेयर इशू करती है, और पब्लिक अपना जो सेविंग अमाउंट है एक्स्ट्रा अगर पब्लिक के पास है तो वो पैसा वो उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और वो सारे जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. कंपनी उनके बदले में शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है. तो डिविडेंड हिंदी में लाभांश कहलाता है. अब बात यह आ रही है कि कंपनी कितने प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, ये तो हो गई मीनिंग ऑफ द शेयर, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड क्या है, टाइप्स ऑफ द शेयर, टाइप ऑफ द शेयर. कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स और बिसाइड दैट ही प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स में भी. फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द बोथ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर होल्डर का पहला है डिफरेंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्योर ओनर्स ऑफ द कंपनी. प्योर ओनर्स का मतलब मेन मालिक. कंपनी के बिजनेस पीरियड में, जिंदगी में, जीवन काल में वो अपना कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट. जबकि ये जो है वो सेकेंडरी ओनर है, सेकेंडरी ओनर. दे कैन विड्रॉ देयर मनी एट द टाइम ऑफ रनिंग पीरियड ऑफ द कंपनी एज दे विश, जब भी ये चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं. दूसरा मेन चीज है कि ये लास्ट में जो है डिविडेंड लेते हैं, गेट डिविडेंड, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है ना. दे कैन गेट डिविडेंड एट लास्ट, जो भी बचता है लास्ट महीने डिविडेंड या लाभांश के रूप में कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को. जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी एक फिक्स अमाउंट से इनसे पहले ही पेमेंट कर देती है डिविडेंड का, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनका रेट फिक्स नहीं होता है, इनका रेट फिक्स होता है. इन्हें पहले पैसा मिल जाता है, इन्हें बाद में मिलता है, ये बेसिक डिफरेंस है. ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. कभी कंपनी फाइनल होती है तो इन्हें पहले पैसा लौटाया जाता है,
इसके बाद इनको लौटा जाता है। विपणन शुल्क के बहुत कई प्रकार होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं और वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपके बच्चों को कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल मतलब ये हुआ कि कंपनी पहली जो शेयर कैपिटल है वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होती है, जिसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सेकंड होती है इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड कॉर्नर नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब कॉर्नर बट नॉट फुली पेड अप थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ सब्सक्राइब्ड कॉर्नर एंड फुली पेड अप। बात याद है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब यह है कि कंपनी जितनी अमाउंट से रजिस्टर्ड, जितने शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड है और मार्केट में जितना शेयर इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज। इट मीन्स मान लीजिए कि 10,000 शेयर से कंपनी रजिस्टर्ड है, ये ऑथराइज हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी 10,000 शेयर पूरे के पूरे मार्केट में इशू कर ले, तो कंपनी उसमें से मान लीजिए अकॉर्डिंग टू नीड 8,000 शेयर ही इशू करना चाहती है, तो 8,000 शेयर मान लीजिए एट द रेट ऑफ रुपीज 10 वाले हैं, तो हाउ मच अमाउंट कंपनी कैन गेट, 8,000 × 10, इट मीन्स 80,000 रुपये कंपनी की कैपिटल में इकट्ठे हो जाएंगे। अब 10 रुपये जो है ये फेस वैल्यू कहलाती है, 10 रुपये कंपनी की अंकित मूल्य है, मतलब शेयर का फेस वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, मीन्स एट पार, एट पार शेयर इशू एट पार। अगर कंपनी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू कर रही है तो शेयर इशू एट पार। अगर कंपनी मान लीजिए 10+1 यानी 11 रुपये में या 10+2 12 रुपये 13 रुपये में कंपनी इशू करे प्लस करते हैं फेस वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड शेयर इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। मान लीजिए कंपनी फेस वैल्यू से 1 रुपये घाटे में 2 रुपये घाटे में लेस करते हुए शेयर इशू कर रही है, तो ये कहलाएगा 10 रुपये या 9 रुपये में इशू कर रही है, 9 या 8 या 7 रुपये में, तो ये कहलाएगा शेयर इशू है डिस्काउंट। बट अभी आपको इस कोर्स में डिस्काउंट वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो आपको प्रीमियम और सम पे ही इसको इशू करेंगे और इशू वाले मैटर को पढ़ेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रेजेंट करना चाहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टेक ए क्वेश्चन जस्ट लाइक इमेजिनरी क्वेश्चन। दिस इज सपोज दिस क्वेश्चन इज ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर होल्डर पेड आर गोइंग टू पे pay. It means 2+3+5 यानी 10 रुपये कंपनी मंगा तो रही है शेयर में, लेकिन बाद में मंगवा रही है, दैट इज ऑन एप्लीकेशन
that is on allotment, and that amount is on first and final call. According to need, company पैसा शेयर होल्डर से मंगाती रहती है. तो जो जनरल एंट्री होगी वो फर्स्ट जनरल एंट्री में ये होगी कि एप्लीकेशन के समय जो कंपनी पैसा मंगाएगी वो 2 रुपये मंगाएगी, और शेयर 10 शेयर इशू करने जा रही है तो 10,000 × 2 रुपीज के हिसाब से शेयर होल्डर पैसा देंगे. तो 20,000 रुपये कंपनी के पास कलेक्ट हो जाएंगे, और पैसा जब आएगा तो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बी 10,000 इक्विटी शेयर इशूड एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹2 on each. That is the narration. A narration should be written not by you, because narration पे भी marks होते हैं, और आप लोग जब narration लिखते हैं तो complete transactions पूरा होता है और पता चल जाता है कि transaction पे based ये particular entry हुई है. तो यहाँ 20,000 रुपये आपके bank से आए application के जरिए आए. दूसरी एंट्री होगी जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलेगा तो तुरंत उसे शेयर कैपिटल में शिफ्ट कर देगी, क्योंकि शेयर का एक हिस्सा पूरा होने जा रहा है. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये कंपनी के पास कलेक्ट हो गए. अब इसका नरेशन होगा बी एप्लीकेशन मनी transferred in equity share capital account. Third entry. ये दो प्रोसीजर थे, एप्लीकेशन का पैसा आया उसे शिफ्ट कर दिया. सेकेंड है थर्ड रुपीज ऑन अलॉटमेंट. रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट. 3 ऑन अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि 10,000 शेयर पे 3 रुपये आने वाले हैं, 30,000 रुपीज आने वाले हैं. तो आने के पहले कंपनी अलॉटमेंट ड्यूज करती है, उसकी एंट्री हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? 30,000 रुपीज यहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे. यहाँ जो नरेशन होगा वो ये होगा कि बीइंग अलॉटमेंट मेड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 each. दैट इज द नरेशन. फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट ड्यूज, फिर इसका पैसा आएगा. तो फोर्थ एंट्री फिर हमारे यहाँ पे वंस अगेन होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम अमाउंट 30,000 मिलेंगे कंपनी को. यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसीजर पूरी होने जा रही है बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड. फिफ्थ एंट्री अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 कंपनी मंगाने जा रही है. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूज होगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. मतलब 5 रुपीज आने वाले हैं, इट मीन्स 10,000 50,000 रुपीज हमारे पास इकट्ठे होंगे. 50,000 डेबिट, 50,000 सेम अमाउंट से क्रेडिट. बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूज. इसकी 5वीं प्रोसीजर पूरी हुई, अब इसका पैसा मिलेगा. तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. ये जो फाइनल कॉल का पैसा है कंपनी चाहे तो इसके भी 2 टुकड़े कर सकती है, फर्स्ट कॉल
मॉल पे भी मंगा सकती है और जो जनता ने डे वो अकॉर्डिंग टू इट वन सेकेंड हो गई। अभी हमने ये समझा कि शेयर क्या होते हैं और शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है, दोनों में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है, और शेयर कैपिटल के जो टाइप्स हैं जैसे ऑथोराइज कैपिटल मीन्स रजिस्टर्ड कैपिटल, इसके बाद इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल एंड आफ्टर देन सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप कैपिटल, इतना उन्होंने इसमें सीखा। और साथ में ये भी जाना कि जब शेयर इशू होते हैं एट पार और उस पर भेजे क्वेश्चन हमने लिया, मान लीजिए ए लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, तो उसमें उसने पार्ट में लगाया रुपीज 2 और एप्लीकेशन, रुपीज 3 और अलॉटमेंट, रुपीज 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर होल्डर आज टू पेड दैट अमाउंट। तो अब जनरल एंट्री इस पर बेस्ड हमने आपको बताई, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव डाउन 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच, उसका पैसा कंपनी ने शेयर कैपिटल में शिफ्ट किया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड हमारा अलॉटमेंट डिविज हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 × 3 30,000 रुपीज से अलॉटमेंट डिविज हुआ, फिर किसका पैसा आया अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डिविज किया आपने, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमें मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि इस क्वेश्चन में एट पार शेयर इशू किया गया 10 रुपये कीमत और 10 रुपये में शेयर इशू किया जा रहा है, तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम छोटी सी में आई होगी जबकि शेयर को हम एट पार ना इशू करके प्रीमियम पे इशू करेंगे, 10 रुपये का शेयर 11 में या 12 में या 13 रुपये में 1-2-3 रुपये प्लस करके इशू होगा और उस प्रीमियम के पैसे को कंपनी जैसे 10 रुपये के शेयर को 11 रुपये में इशू करे तो 1 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो चाहे तो कंपनी अलॉटमेंट पे मंगा सकती है, एप्लीकेशन पे मंगा सकती है, तो वो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में कंपनी उसको रखती है और आने वाली जरूरतों के हिसाब से उसमें से कुछ किसी भी प्रकार का शेयर संबंधी कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करती है कंपनी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, आपस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों में बांटे, बिकॉज इसमें शेयर कैपिटल प्रवेश आगे कंटिन्यू हमारे वीडियो आते रहेंगे और आपके डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी डाउट है जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी और वन बाय वन आप वीडियो को देखते जाएंगे, इसलिए इसे शेयर करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें, साथ में आप इसमें इससे एडवांटेज लें क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।